अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे हैं। इसकी जो है पोस्ट मैंने बहुत दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लिया हुआ था, मगर मैंने इसको वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो डो बनानी है। इसके लिए पिज़्ज़ा डो बेसिकली हम बना रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको किसी तरह भी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी हम इसको बंस के लिए यूज़ करेंगे जो हमने जिनकी फिलिंग करनी है। मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 3 कप्स जो है वो मैदा ले लिया। आप मेजरिंग कप से हमेशा जो है वो किया करें, क्योंकि उससे ठीक रहता है। अगर आप दूसरा कोई कप यूज़ करते हैं तो वो बहुत रेसिपी में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हमने यीस्ट ले लिया और हम ये इसका जो है वो 1 पैकेट फुल डाल देंगे। 3 कप्स के लिए बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि हमें थोड़ा राइजिंग चाहिए। अगर हम पिज़्ज़ा बना रहे होते तो हम इसको पूरा नहीं डालते। उसके बाद हम इसमें थाइम डाल देंगे। ये हम एक फ्लेवर्ड डो बना रहे हैं ताकि हमारी डो में फ्लेवर आए। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो तकरीबन थाइम डाल दिया है। उसके बाद हमने बेज़ल डाल दिया, ये वीडियो में शायद नज़र नहीं आया। ये 1/2 टीस्पून बेज़ल डाल दिया है ड्राइड। और उसके बाद वाइट पेपर हम डाल देंगे, ये तकरीबन हम 1 टीस्पून डाल देंगे। उसके बाद ये रोज़मेरी आपने ले लेना है और आपने उसको अपने हाथ में ही डाल के तकरीबन 1/2 टीस्पून हाथ में ही डालकर आपने उसको क्रश करके इसमें डाल देना है। उसके बाद आप गार्लिक पाउडर डाल दें। गार्लिक पाउडर तकरीबन मैंने इसमें 2 टीस्पून डाला है। उसके बाद ब्लैक पेपर जो है वो आपने 1/2 टीस्पून डाल देना है। आपने सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, मगर इसमें 1/2 टीस्पून बिल्कुल ठीक रहता है। 1/2 टीस्पून आपने डाल देना है। और उसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाल देना है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहता है। और 2 टीस्पून तकरीबन हमने इसमें शुगर डाल दिया। अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से जो है वो आपने पहले मिक्स कर लेना है, ताकि उसमें जो जब आप इसको गूंदें इसके आटे को तो वो बिल्कुल ख़राब ना हो और सारे फ्लेवर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों आपके डो के अंदर। अभी मैंने इसको कर लिया वह है मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने इसमें 1 कप जो है वो वार्म वाटर डालना है। बहुत बॉइलिंग वाटर नहीं है, वार्म वाटर डालना है। उससे जब आप वार्म वाटर से आप डो बनाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट बनती है। आप इसको पहले स्पैचुला से मिक्स कर लें। जब वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, जितना भी मैक्सिमम मिक्स आप कर सकते हैं उतना मिक्स कर लें। और उसके बाद आप अपने हाथ से इसको गूंदना शुरू कर लें। आई होप कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेंगे आप, और आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। अब इसमें हमने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो ऑयल डाल दिया। अब ऑयल वैसे शुरू में डालते हैं मोस्टली लोग, मगर जब मैं ये पानी मिक्स कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ, तो उससे बहुत जो है वो अच्छा सा डो आप गूंद सकते हैं, बहुत अच्छा सा डो बन जाता है। आप इसको बस अपने हाथ से अच्छी तरह गूंदते रहें। इसको थोड़ा सा अच्छे से गूंदें, थोड़ा टाइम दें इसको, क्योंकि सारा जो है इसके गूंदने पे ही डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डो बनाई हुई है और अच्छी तरह से आपने इसको पूरा कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता शेप में आना शुरू हो गई है। अब इसको बस अच्छी तरह कर लें। उसके बाद जब सारा आटा हो जाए तो आप इसको निकाल लें बाउल से, और किसी भी फ्लैट सरफेस पे, साफ़ सरफेस पे आप इसको इस तरह से गूंदना शुरू कर दें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। उससे ये होता है जितना आप इसको रोल करेंगे, जितना आप इसको करेंगे, वो अच्छे से जो है वो उसका डो बनता जाएगा और सॉफ़्ट होता जाएगा। और जब ये राइज होता है या जब ये बेक होता है तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अब मैंने अपने हाथ पे ऑयल लगा लिया है और फिर इससे मैं दोबारा से भूनना शुरू कर दिया, ताकि ये बिल्कुल हाथ पे ना लगे। अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मेरा डो बन गया है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जितना भी टाइम आप रख सकते हैं रख लें, मगर 1 घंटा रख
ना तो ज़रूरी है, एक घंटा आपने रखना है इसको। उसके अलावा आप चाहें तो 2 घंटे रखें, आप भले सुबह बना के रख लें और आपको शाम को बेक करना है तो शाम को बेक कर लें, और भले सुबह से बना के रख लें, ख़राब नहीं होता। आपने बस इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ढक के रख देना है किसी भी बर्तन के अंदर, और ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो यही डो की रेसिपी आप पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लेवर्ड डो है, ये मेरा मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था और ये बहुत टेस्टी बना था। मैंने इसी डो से पिज़्ज़ा भी ट्राई किया था, वो भी बहुत टेस्टी बना था। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँ, उसमें मैंने सारा सॉस और हर चीज़ खुद बनाई थी, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूँ हर चीज़ आपके साथ, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि मुझे इसके बहुत सारे DMs आए थे जब मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे DMs किए थे, उनको पसंद आया था, दे वॉन्टेड टू नो कि किस तरह बनाए। तो मैं इसकी रेसिपी इसलिए अपलोड कर रही हूँ, तो ये अब आपने मुझे ज़रूर ट्राई करके बताना है। जिन जिन लोगों ने मुझे DMs किए थे, जिन्होंने रेसिपी का पूछा था, वो मुझे अब ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर पिक्चर लेके DM करें। अच्छा जी, और अब हम आ जाते हैं अपने वेजिटेबल्स के तरफ। आप चाहें तो इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, मैंने ये चिकन के बगैर बनाई थी, आप चाहें तो चिकन भी इसमें मिक्स कर लें। और मैं आपको बता देती हूँ कब आपने करनी है, जब आप ये बैटर तैयार कर रहे होंगे आप उसी के अंदर चिकन भी, मगर चिकन आपने फ्राई करके डालना है, मतलब कुक्ड चिकन डालना है, अनकुक्ड नहीं डालना। मैंने इसमें एक अनियन ले लिया है, इसको अब मैं स्लाइसेस कर रही हूँ इसके। आप चाहें तो बिल्कुल चॉप कर सकते हैं, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। अब मैं कैप्सिकम भी काट लूँगी। अगर आप इसकी यही वाली मैंने क्यूब्स में काटा है, छोटे छोटे क्यूब्स में कैप्सिकम को, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे या जूलियन कट करेंगे, तो ये जब हम इसको फिलिंग करेंगे अपने डो के अंदर, इसकी फिलिंग करेंगे, तो वो ठीक नहीं बनेंगे, वो उसको तोड़ देगा डो को, और वो फटना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप इसी तरह से काटेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, अच्छी सी फिलिंग बन जाती है, और उसके अंदर फिर आप अपना ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसको बना सकते हैं। अब ये मैं जल्दी जल्दी से कैप्सिकम काट रही हूँ, जल्दी जल्दी तो नहीं काट रही, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मगर आप लोग जल्दी जल्दी काट सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज़ है। अभी मैंने इस तरह से कर लिया है। मैं डो में एक चीज़ डालना भूल गई थी, ओरिगैनो। ओरिगैनो जो है वो मैं डो में डालना दिखाना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाला था, इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है या क्या है, मगर मैंने इसमें ओरिगैनो डाला था, इसमें वीडियो में नहीं है वो चीज़। तो आपने ओरिगैनो 1/2 टीस्पून डाल देना है। अब फ्राइंग पैन में मैंने ये गार्लिक ले लिया है, ये हम सॉस बना रहे हैं अपनी, जो हमने फिलिंग के लिए सॉस बनानी है। गार्लिक जब ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल दें। ये मैंने खुद ही जो है वो 5 से 6 टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और उसके अंदर 3 ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी ग्राइंड करते हुए, और फिर मैंने इसका वो बना लिया था। मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, रेड पेपर डाला है, और इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून शुगर डाला है। इसमें आपने 1 टीस्पून फुल ऑरिगैनो का डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना, और जब ये थिक हो जाए इस तरह से, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी चीज़ ले लेते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, स्लाइसेस भी ले लिए थे और दूसरी भी ले ली थी, तो ये तकरीबन मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए इसके मोज़रेला चीज़ के। और अब हम इसको काट लेंगे, बस रफ़ सा काटना है आपको, और अब जो आपने उसमें बनाया हुआ था जो वेजिटेबल्स काटे हुए हैं उसके अंदर डाल देना है। अब वेजिटेबल्स के अंदर मैंने डाला था ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, सॉल्ट, और वाइट पेपर डाला था थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लिया। अब मैं अपनी मोज़रेला चीज़ भी कर लूँगी, कि बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी इसको काटने में। आप एक ये टिप है कि अगर इस तरह से आपकी चीज़ भी हो, तो आप इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख सकते हैं, डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, उससे बिल्कुल ख़राब नहीं होती, उससे ज़्यादा ना करें, बस 30 सेकंड के सॉफ़्ट हो जाए और आपको काटने में आसानी हो। अब आपने यहाँ पे चीज़ ले लेनी है,
बिल्कुल थिन स्लाइसेस कर लें इसके, आप छोटी छोटी काट लें जैसे भी आपको पसंद है आप काट लें, क्योंकि इवेंचुअली हम इसको मेल्ट ही करना है और ये बेकिंग के टाइम मेल्ट ही हो जाएगी। तो आप इसकी छोटे छोटे क्यूब्स भले काट लें या जैसे भी आपको ईजी लगता है आप कर सकते हैं। मैंने ये सारा चीज़ डाल के स्लाइसेस भी डाल दिए थे और ये वाला भी डाल दिया था चीज़, और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, सॉल्ट डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो सॉस मैंने बनाई थी उसको आपने ठंडा कर लेना, तो सॉस आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। अब हम अपने पैन की तरफ आते हैं जिसमें हमने इसको बेक करना है। मैं केक वाला ही पैन ले रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से जो है ये सही से बन जाएगा इस, क्योंकि इसने राइज होना है, एक केक की शेप आनी है इसकी, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप बटर पेपर लगा लें सबसे पहले नीचे, और उसके बाद ऑयल से ग्रीस कर लें, साइडों पे ऑयल लगा दें। बटर पेपर पे ज़रूरी नहीं होता लगाना मगर आप लगा लें, क्योंकि साइडों पे भी मुझे करना था इसको, साइडों से ग्रीस करना इम्पॉर्टेंट है वरना आपकी डोज के साथ जो है वो जल जाएगी, जब वो राइज होगी और वो बेक होगी तो वो जलना शुरू हो जाएगी। अब जो इसका एक्स्ट्रा सारा पेपर था वो मैं काट के इसको साइड पे फेंक देती हूँ डस्टबिन में, और अब ये हमारा रेडी हो गया। अब डो जो है हमने ये राइज हो चुकी है, इसको तकरीबन घंटा हो चुका है, घंटे से ज़्यादा, 1 hour 15 minutes शायद मैंने इसको रखा था, बिल्कुल अच्छे से राइज हो चुकी थी। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैं आपको एक फिलिंग करके जो है एक बना के दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने करना है, और फिर मैं बाकी सारा करके आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि किस तरह है। सबसे पहले आप इसको जिस तरह हम रोटी के लिए करते हैं उस तरह आपने करना है, और आपने फिर दो क्योंकि हमें एक जैसे चाहिए होंगे फिलिंग वाले, क्योंकि अगर इसमें सॉस होती है तो वो सॉस निकलना शुरू हो जाती है इसमें से, अगर आप एक से ही कर सकते हैं, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब मैंने इसमें जो सॉस बनाई थी वो मैंने इसमें अपनी फिलिंग में मिक्स कर लिया वेजिटेबल और चीज़ में। इस पॉइंट पे आप चिकन ऐड कर सकते हैं, कुक चिकन आप इसमें भले ऐड कर लें, कोई और वेजिटेबल्स डाल लें तो आप वो भी भले ऐड कर लें, मशरूम्स ऐड कर लें, ऑलिव्स ऐड कर लें, हलपीनोज ऐड कर लें, जो भी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इस तरह से इसके पहले पेड़े बना लूँगी, तकरीबन इससे मैं 5 जो है वो फिलिंग बना लूँगी इसकी। अभी मैंने पहला एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरह से आपने बनाना है। अपने दो पेड़े लेने हैं इक्वली साइज्ड, और उसके बाद आपने उसको अपने हाथ में लेना है और उसमें फिलिंग करनी है जितनी भी आप फिलिंग इसमें करना चाहें, मगर आपने गुड अमाउंट में करनी है क्योंकि ये राइज हो जाएगा, दोनों साइड से नीचे से भी राइज होगा और ऊपर से भी राइज होगा। तो फिर अगर आप फिलिंग अच्छी करेंगे तो वो फिर आपको नॉर्मल सी लगेगी, अगर आप कम करेंगे तो वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अब इस तरह से आपने इसको साइडों से बिल्कुल पैक कर देना है, और आपने अपने पैन जो भी जिसमें आपको बेक करना है आप उसमें सेट करते रहें, इस तरह से आपने इसमें सेट करते जाना है। अब मैंने ये तकरीबन मेरे 5 बन गए थे इससे अच्छे खासे साइज़ के, तो अब ये जो बाकी की फिलिंग बची है ये सारी की सारी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, अंदर भी फिलिंग होगी ऊपर भी फिलिंग होगी, तो जब वो बेक होगा और वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। इस तरह से आपने सारा जो है वो स्प्रेड कर देना है, जो भी आपके पास फिलिंग बच गई उसको वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अंदर चीज़ ऑलरेडी एडेड है, सॉस है, तो वो बहुत मज़े का आपको एक टेस्ट देगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने एक देगची में नीचे नमक डाल दिया था एक पैकेट, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा था और फिर ये रख दिया था। अब ये 50 minutes के लिए आपको नहीं खोलना, या आप इसकी लुक देख सकते हैं 50 minutes के बाद, ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और अगर आप ट्राई करें तो मुझे इसकी पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।